दुरूद शरीफ पढ़ें, अस्सलातु वस्सलाम अलैहि। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फौज बिल्लाह मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इसे इधर रखो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्म सल्ल अला सय्यिदिना व अस्हाब सय्यिदिना व अज़वाज सय्यिदिना व अहले बैत सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्ल अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह, आज दोबारा मैं और आप सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के अजीम पेशवा सुल्तानुल कामिलीन वल आरिफीन, प्यार से कह दें सुभानअल्लाह, सुल्तानुल कामिलीन वल आरिफीन गौसुल उम्मत हजूर ख्वाजा ख्वाजगान बाबा जी सरकार सैयद फ़कीर मोहम्मद चौराई के सालाना उर्स में जमा हुए हैं, और दीगर ख्वाजगान चूरा शरीफ का सालाना उर्स मुबारक ज़ेरे इनेकाद पज़ीर है, जिसकी सदारत आस्ताना आलिया चूरा शरीफ के चश्मो चराग सैयदी व मुर्शदी फ़ख्रुल मशायख हजूर क़िबला आलम पीर सैयद मोहम्मद शबीर अली शाह साहब नक्शबंदी मद्दज़िल्ला उल आली अब फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। क़िबला बाबा जी सरकार के हुक्म के मुताबिक आपने अपनी मोहब्बत और शफकत का इजहार फरमाते हुए फरमाया कि आज अब इस आखिरी नशिश्त की सदारत चश्मो चराग आस्ताना आलिया अलीपुर सैयदा शरीफ हजूर सैयदी व मुर्शदी महरुल मिल्लत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती मद्दज़िल्ला उल आली फरमाएंगे। प्यार से कह दे सुभानअल्लाह। आज आप थोड़े से ढीले नज़र आ रहे हैं। हर खतीब ने अपने अपने रंग में बातें पेश की हैं, लेकिन मैंने अपने रंग में जो इन दोनों बुजुर्गों ने अपने रंग में रंगा है, उस थोड़ा सा रंग आपकी तरफ पेश करूंगा। आपने बस मोहब्बत से कहना है सुभान अल्लाह। आस्थान है आलिया चूरा शरीफ के बानी और मोहतमिम कुतबुल आलमीन सुल्तानुल कामिलीन फखरुल मशायख शेखुल मशायख हजूर बाबा जी नूर मोहम्मद तीराही, आपने तीरा के पहाड़ों को छोड़कर अटक के अंदर चूरा शरीफ में आप आबाद हुए, और आप जिस वक्त आबाद हुए तो हजूर बाबा जी सरकार फकीर मोहम्मद चौराई जिस वक्त आपने उन्हें खिलाफत अता फरमाई बैत का मकाम उन्होंने तय किया, कुछ अरसे के बाद बाबा जी नूर मोहम्मद ने बाबा जी फकीर मोहम्मद से फरमाया बेटे यहाँ चूरा शरीफ से थोड़ा सा हटकर एक जगह जाकर एक हुजरे में मुकीम हो जाओ, आप वहाँ तने तनहा बैठ जाएंगे, आप देखेंगे कि दुनिया तसव्वुफ़ के शहनशाह आपके पास आया करेंगे, दुनिया तसव्वुफ़ के शहनशाह आपके पास आया करेंगे। फिर दुनिया तरीकत ने देखा कि तरीका नक्शबंदिया का पहला मर्द मुजाहिद हजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह बाबा जी सरकार के पास आए, और ऐसे आए, और ये घराना और ये खूबसूरत आस्ताना आपको याद है किबला हजूर साहबजादा अली मर्तबत साहबजादा फजल नोमान शाह कलंदरी मद्दज़िल्ला उल आली की मौजूदगी में पिछले उर्स मुबारक पर मैंने कहां बात खत्म की थी, किसी को याद है? अगर याद नहीं तो अफसोस है, लेकिन मैं आपको याद करा देता हूं, बात यहां पर खत्म हुई थी कि अल्लाह ताला ने ख्वाजगान चूरा शरीफ के चेहरों को जो नूरानियत अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने ख्वाजगान चूरा शरीफ के चेहरों को जो नूरानियत अता फरमाई है और इनकी पेशानी को चमक दी है, ये इस बात की दलील है कि ये हजूर की आल हैं, अली के बेटे हैं, सिद्दीक अकबर के मुरीद हैं। मैंने ये बात दोबारा इसलिए दोहराई है ताकि अगर कोई बंदा मुताला करना चाहे शजराए सियादत को शजरे को, तो उससे गुजारिश है कि वो शजराए चूरा शरीफ की मुताला करे, उसको पढ़े जिसको सादात ऊद शरीफ की तस्दीक हासिल है, सादात ऊद शरीफ की इसमें तस्दीक है। अब आप देखिए, एक बात पेश करके बात खत्म करना चाहता हूं,
एक मर्तबा किबला आलम बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह आप मौजूद थे उलमा की मजलिस में। किन की मजलिस में बोले ना, उलमा की मजलिस में मौजूद थे कि एक मसला आया उलमा के पास के फलां काम जायज़ है या सुन्नत के खिलाफ है। अब इन जुमलों से आपको इस बात की खबर हो जाएगी कि बाबा जी के दिल में इश्क़ रसूल कितना था, कितने आशिक रसूल थे। तो उन उलमा ने आपस में मशवरा किया कि आज क्योंकि बाबा जी सरकार हम में मौजूद हैं, चलो मसला इन ही से पूछ लेते हैं। एक आलिम दीन ने बाबा जी से अर्ज किया कि हजरत इस मसले की वजाहत फरमाएं कि फलां चीज़ क्या इसको इस्तेमाल करना दुरुस्त है या नहीं, सुन्नत के मुताबिक है या सुन्नत के खिलाफ है। बाबा जी सरकार मुस्कुरा कर फरमाने लगे, मौली साहब मैं तो एक आम जे फकीर बंदा वहां ते ए जी पे वेला गुजारना वहां। मौली साहब मैं तो एक फकीर जिहा बंदा वहां ते मैं तो ए जी पे वेला गुजारना वहां, पर मां इतना पता है जिड़ी शह सरकार चंगी लगनी है वह मां भी चंगी लगनी है, जिड़ी से सरकार चंगी लगनी है वह मां भी चंगी लगनी है, ते जिड़ी सरकार नहीं चंगी लगनी वह मां भी नहीं चंगी लगी। ये इश्के रसूल का दर्स बाबा जी ने हमें अता फरमाया और ये मकाम और मर्तबा, और आखिरी जुमले पे बात खत्म करना चाहता हूं, ये इनका मकाम है और हजरत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजे नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को भी अल्लाह ने बड़ा मकाम अता फरमाया। लेकिन फिर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह बात आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि हम अपने दोनों पीरो मुर्शद से सुभान अल्लाह बाबा जी सरकार और हजूर महरुल मिल्लत से इनके अबाओ अजदाद के तस्करे सुन सकें। आई वुड लाइक टू एंड विद दिस मैसेज दैट अल्लाह सुबहानहु व तआला हैज ब्लेस्ड माई सेल्फ एंड ब्लेस्ड यू दैट ही हैज गिवन अस द कनेक्शन ऑफ द ग्रेटेस्ट तरीका इन द वर्ल्ड व्हिच इज नोन एज तरीका नक्शबंदिया मुजद्दिया एंड द वर्क एंड द डिसाइपल्स एंड द लेसन्स अमंग्स वन ऑफ द लेसन्स of tariqa naqshbandiya is to gain the love of rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And how will you gain the love of rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sufiya have given us two lessons. One lesson is to recite durood o salam upon rasulullah abundantly. This will give you the closeness of rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And if you do not have that ability, that strength to become on that stage, then sit in the feet of your Murshid-e-Kareem. Sit in the feet of your Murshid-e-Kareem, and when your Murshid-e-Kareem gives you faiz, he will show you the way to Gumbad-e-Khazra. Allah subhanahu wa ta'ala meri aur aapki hazri kabool farmaye.